हेलो स्टूडेंट, टुडे इज रिवीजन वीडियो है हमारा सेकेंड। ये आने वाले संडे पे सेकेंड चैप्टर का हमारा टेस्ट है और हमने रिवीजन टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सेकेंड चैप्टर का लिया है। लास्ट रिवीजन वीडियो में हमने फॉर्मूला सारे देखे, कैसे डेवलप होते हैं, कैसे लर्न बाय हार्ट करना है। विदाउट फॉर्मूला आप सम नहीं कर सकते हो, तो फॉर्मूला हमारे लिए मस्ट होता है। फॉर्मूलाज है, मेथड्स हैं, इन शॉर्ट आउटलाइन जो होती है चैप्टर की, जो समरी होती है चैप्टर की, वो हमको याद रहनी चाहिए। तो आज हम ट्राई कर रहे हैं कि हर एक टाइप के फॉर्मूला का एक एक सम हम रिप्रेजेंट करें। तो उसमें हम फर्स्ट सम ले रहे हैं साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, और उसके बाद का सम है कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू। साइन इनवर्स माइनस एक्स, that is minus साइन इनवर्स x, and cos इनवर्स माइनस x, that is pi minus cos इनवर्स x। जैसे साइन इनवर्स है वैसे ही रिप्रेजेंट होता है tan इनवर्स and cosec इनवर्स। जैसे cos इनवर्स माइनस है माइनस x है, वैसे रिप्रेजेंट होता है sec इनवर्स माइनस x and cot इनवर्स माइनस x। तो फॉर्मूला सम स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज माइनस साइन इनवर्स वन बाई टू। अगर साइन इनवर्स ऑफ में नेगेटिव टर्म है तो वो नेगेटिव टर्म वर्क नहीं करता है, तो नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव बनाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। एक याद रखो, दूसरी दो उसमें डेवलप करो। साइन इनवर्स माइनस एक्स, that is minus sin inverse x, जैसे sin वैसे tan and cosec। So this is minus sin inverse 1 by 2, this is minus pi by 6। Cos inverse minus 1 by 2, that is pi minus cos inverse 1 by 2। जैसे cos inverse minus x है वैसे ही property है sec inverse minus x एंड cot इनवर्स माइनस x की। तो पाई माइनस cos इनवर्स 1 अपॉन 2, दिस इज पाई माइनस पाई बाय 3, सो इट बिकम्स 2 पाई बाय 3। तो स्टूडेंट, ये टाइप के सम या ये सम का किसी सम में कॉम्बिनेशन, ये एमसीक्यू के लिए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ जो हमने डेफिनेशंस की थी वो डेफिनेशन पर डिपेंड है। ये टाइप का सम भी बहुत पॉपुलर है, tan इनवर्स x इक्वल्स टू y, सो व्हाट इज x एंड व्हाट इज y। तो tan इनवर्स x को याद करो, द डोमेन ऑफ tan इनवर्स इज r एंड द रेंज ऑफ tan इनवर्स इज ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो अगर मैं x की बात करूं तो tan इनवर्स के साथ x रिलेशन में है, तो दिस इज एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। यानी यहां पर अगर मैं एक्स की बात करूं तो दैट इज बिलोंग्स टू आर। अगर मैं वाई की बात करूं तो वाई बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। इन शॉर्ट, हमको ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन के अंदर डेफिनेशन आती है तो ये लिखना इजी है। जो फंक्शंस के रिलेशन में होता है, फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन में, फंक्शन के ऑफ में होता है, वो डोमेन में होता है फंक्शन के, और जो इक्वल्स टू करके आता है टर्म वो फंक्शन के को डोमेन या रेंज में होता है। तो tan इनवर्स का जो डोमेन है वो है आर, और को डोमेन और रेंज है वो है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। तो सिक्स फंक्शन में से ऐसे टाइप का सम कोई भी पूछ सकते हैं, आंसर क्लियर है। नाउ फोर्थ सम ले रहे हैं हम, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नाउ जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर, तो सबसे पहले वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हैंडल करती है हमारी प्रॉपर्टी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विथ कंडीशन, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये एक ओनली वन कंडीशन है, तो इसमें कंडीशन हम अप्लाई नहीं करते हैं। तो यहां पर ये फॉर्मूला में जाने से पहले सबसे पहले हम कंडीशन को देखते हैं।
तो हियर 2 इंटू 3 विच इज ग्रेटर देन 1, 2 इंटू 3 विच इज ग्रेटर देन 1, सो द फॉर्मूला इज पाई प्लस 10 इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3. सो दिस इज पाई प्लस 10 इनवर्स, दिस इज 5 अपॉन माइनस, दिस इज 5 अपॉन माइनस 5. तो ये हो जाएगा पाई प्लस 10 इनवर्स माइनस 1. तो ये हो जाएगा पाई माइनस 10 इनवर्स 1 एंड दिस इज पाई माइनस पाई बाय 4, दिस इज 3 पाई बाय 4. तो क्या किया हमने, सबसे पहले 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 3 का एडिशन करना था, कंडीशन चेक की विच इज ग्रेटर देन 1, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन दिस इज पाई प्लस. नाउ आफ्टर दिस थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 2 प्लस 3 5, 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 5, दिस इज पाई प्लस 10 इनवर्स माइनस 1, 10 इनवर्स माइनस 1 इज पाई माइनस 10 इनवर्स 1, सो द आंसर इज 3 पाई बाय 4. आफ्टर दिस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन रूट 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2. ये टाइप का सम जो प्रूडेट सम है, ये सम में हम सबसे पहले सम के दोनों तरफ ऑब्जर्वेशन करते हैं और जो इजी एंड सिंपलेस्ट टर्म होता है उसको हम सपोज करते हैं. सो हियर साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, सो x इक्वल्स टू साइन थीटा. ये लेने के बाद हम LHS, बिकॉज हमने RHS में से सपोज किया है, तो LHS में जाएंगे. साइन इनवर्स दिस इज 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड दिस इज साइन इनवर्स साइन 2 थीटा. सो द आंसर इज 2 थीटा एंड 2 साइन इनवर्स x. स्टूडेंट एनसीईआरटी की सॉल्यूशन बुक में आप देखोगे तो इस टाइप से सम को कंप्लीट कर दिया है, लेकिन आप हमारा असाइनमेंट देखोगे, हमारी समरी देखोगे और हमारे वीडियो लेक्चर्स देखोगे तो मैंने ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई किया है. तो जब भी सम एग्जाम में आएगा कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ही हमको ये सम परफॉर्म करना है, कंडीशन मस्ट है, वो आगे जाके हमको हेल्पफुल रहे. नाउ स्टूडेंट उसके बाद एक आगे इंपॉर्टेंट टाइप में जा रहे हैं, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3. ये टाइप के सम भी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, या फिर एमसीक्यू बोलो तो एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है. साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3 हमारी कंडीशन है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3 हमारी कंडीशन है. ये होना चाहिए एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. तो ये रेंज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए हमको क्वाड्रेंट में एंटर होना पड़ेगा. तो दैट इज साइन पाई माइनस पाई बाई 3, साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज 2 पाई बाई 3. नाउ दिस इज क्वाड्रेंट सेकंड, दिस इज क्वाड्रेंट सेकंड, साइन पॉजिटिव फंक्शन नेवर चेंज, दिस इज साइन पाई बाई 3 एंड द आंसर इज. अब ये आप ध्यान से देखो तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, द आंसर इज पाई बाई 3. तो स्टूडेंट फॉर्मूला लर्न बाय हार्ट होनी चाहिए, फॉर्मूला आनी चाहिए, हर एक टाइप का एक एक सम हम ले रहे हैं. नाउ स्टूडेंट साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 बाय 5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1, यहां पर एक्स हमको फाइंड आउट करना है. अब अगर हमको फॉर्मूला का नॉलेज है, फॉर्मूला पता है हमको, तो ये इजी है. कैसे इजी है, साइन समथिंग इक्वल्स टू 1, तो अपना लॉजिक अप्लाई करो कि साइन की वैल्यू 1 कब होती है, तो साइन पाई बाई 2 इक्वल्स टू 1.
नाउ हमारे पास साइन पाई बाई टू, यहां पर ऑफ में पाई बाई टू लाने की फॉर्मूला कौन सी है? तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू आइडेंटिटी है। तो यहां पर हम ये लेंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5, ये टर्म्स आया तो ये हुआ हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दैट इज पाई बाई टू एंड साइन पाई बाई टू की वैल्यू होगी 1। तो ये की कौन सी वैल्यू के लिए पॉसिबल है? तो एक्स इक्वल्स टू 1/5 के लिए ये पॉसिबल है, एक्स इक्वल्स टू 1/5 के लिए। तो यहां पर ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है फॉर्मूला पर, अगर फॉर्मूला में कमांड है तो ये इजी है। नाउ एक इंपॉर्टेंट सम ले रहे हैं, सम नंबर 8। ये टाइप के सम आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। अब अलग अलग रेफरेंस बुकों में अलग अलग टाइप से ये सम काउंट किए रहते हैं, लेकिन एक सिंपल मेथड जाओ, ज्यादा लॉजिक अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इंटर रिलेशन फॉर्मूला है, साइन पे से कॉस, कॉस पर से टेन, टेन पर से साइन, साइन पर से कॉस। तो ये इंटर रिलेशन फॉर्मूला हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर लिटल लिटल ट्रायंगल में जाके पाइथागोरस अप्लाई करके भी वो फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे इजी वे है ये सम को, इस टाइप के सम को हैंडल करने का, कि आप चले जाओ लिटल लिटल ट्रायंगल में पाइथागोरस का अप्लाई करके जो भी फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन गिवन है, जो भी फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन गिवन है उनको 10 में कन्वर्ट कर दो। तो यहां पर ये सम की मैं हिंट दूंगा आपको कि भाई कॉस इनवर्स हम स्टार्ट करेंगे LHS साइड से, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस 10 इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स की डेफिनेशन याद करो आप, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हुआ 12, तो ये हुआ 13, और ये अगर 13 है और पाइथागोरस अप्लाई करते हैं या फिर हम ट्रिपलेट का यूज करते हैं तो दिस इज 5। नाउ साइन इनवर्स, साइन इज द ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज 3, दिस इज 5, सो दिस इज 4। Now, after Pythagoras, little little triangle, this is 10 inverse 5/12. This is 10 inverse 3/4. So, ये student हो गया हमारा cos inverse, sin inverse, 10 के term में complete. Now, अब इसका addition subtraction करना है, कैसे करना है आपको पता है? सबसे पहले 5/12 इंटू 3/4 विच इज लेस देन 1, अगर ये लेस देन 1 है तो इसका एडिशन होगा 10 इनवर्स 5/12 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन लाने के बाद इसका आंसर लाना है हमने 10 इनवर्स में, 10 इनवर्स में ही इसका आंसर आएगा। तो मैं जनरल बात कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर सम में हम नहीं जा रहे अभी। तो इस टाइप का कोई भी सम आएगा जिसमें कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स या कॉट इनवर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, तो हमको सीधा करना है उसको अकॉर्डिंग टू लिटल लिटल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम 10 इनवर्स में कन्वर्ट। 10 इनवर्स की प्रॉपर्टीज हमको आती है 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई विथ कंडीशन 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई। तो वो कंडीशन को अप्लाई करके 10 इनवर्स में हमको आंसर लाना है। 10 इनवर्स में आंसर लाने के बाद, आंसर लाने के बाद अगर हमारा आंसर साइन इनवर्स में आ रहा है तो वंस अगेन यहां पर आप एक लिटल लिटल ट्रायंगल ड्रॉ करो,
वंस अगेन यहां पर पाइथागोरस का यूज करो और पाइथागोरस का यूज करके जो भी हमारा रिक्वायरमेंट आंसर है, जैसे साइन इनवर्स का आंसर मुझे चाहिए तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस ले लो, अगर हमको कॉस इनवर्स में आंसर चाहिए तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस ले लो। तो इन शॉर्ट कोई भी क्वेश्चन हमको आ रखा है इस टाइप का, तो इस टाइप से हम हैंडल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये टाइप के सम के काफी सारे बंच है, एक्सरसाइज में हमने रेगुलर होमवर्क में भी दे रखा है, हमको रेफरेंस बुक में नहीं जाना है, हमको अकॉर्डिंग टू हमारी मेथड, रेफरेंस बुक में हर एक रेफरेंस बुक में मेथड्स अलग है, ये सबसे इजी मेथड है। एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होगा 10 में कन्वर्ट करो, आंसर 10 में आएगा वो 10 का। वंस अगेन अगर 10 में ही आंसर है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो वंस अगेन जो 10 इनवर्स आया है उसका लिटल लिटल ट्राइंगल बनाओ और वापस साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में आप एंटर कर सकते हो। नाउ सॉल्व द इक्वेशन, हमारे सेकेंड चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्व द इक्वेशन, या फिर ये क्वेश्चन को थोड़ा हल्का बना दे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बोले या सॉल्व द इक्वेशन बोले, दोनों में माइनॉर डिफरेंस है। माइनॉर डिफरेंस क्या है वो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी। तो सॉल्व द इक्वेशन का मतलब हुआ सबसे पहले हमको ये जो गिवन है उसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दिस इज टेन इनवर्स कॉस एक्स प्लस टेन इनवर्स कॉस एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स टू कॉसेक एक्स, दिस इज टेन इनवर्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स इन टू कॉस एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स टू अपॉन साइन एक्स। नाउ दिस इज टेन इनवर्स कैंसल टू कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू टू अपॉन साइन एक्स, ये टू टू यहां पर कैंसल हो रहा है, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन साइन एक्स। तो ये हो गया हमारा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल्स टू वन, यानी कॉट एक्स इक्वल्स टू वन, यानी एक्स इक्वल्स टू पाई बाई फोर। तो स्टूडेंट ये सम में अगर सॉल्व द इक्वेशन नहीं है इस टाइप का कोई भी सम, तो जस्ट हमको पहले फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, और ये वैल्यू ऑफ एक्स को अगर हम वेरिफिकेशन में लेंगे, वेरिफिकेशन में कैसे लेना है हमने रेगुलर वीडियो में बता रखा है, ये एक्स इक्वल्स टू जो भी वैल्यू है उसको एल एच एस और आर एच एस में रखकर सेटिस्फाई कराओ, अगर सेटिस्फाई हो रहा है एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस तो ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, अदरवाइज वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो दिस इज द जस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। तो दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स, और ये अगर वेरिफिकेशन करेगा तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जो हमने रेगुलर में करवा रखा है। नाउ स्टूडेंट संडे के टेस्ट के लिए चैप्टर नंबर टू टेक्स्ट बुक पर फोकस करना है। टेक्स्ट बुक में हमारा एक इंपॉर्टेंट सम है टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स, या फिर अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स या वन प्लस कॉस एक्स, तो वो वाला सम है विद कंडीशन आपको अप्लाई करना है। इन शॉर्ट सेकेंड चैप्टर जो हमारा है स्कोरिंग चैप्टर है। रेगुलर वीडियोज, रेगुलर असाइनमेंट में होमवर्क प्रॉपरली फॉलो करना है। इजी चैप्टर है, हमारे 13 चैप्टर सिलेबस में है, उसमें से सेकेंड चैप्टर हमारा स्कोरिंग चैप्टर्स में से एक है। तो संडे टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट, प्रॉपरली प्रिपरेशन करके टेस्ट देना है।